वहीं एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपर बात करेंगे जो एमिरेट्स D20 का आज के दिन का पहला मैच होगा जो खेला जाएगा शारजा और दुबई के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर मैच के बारे में, तो ये जो मैच है 6 बजे स्टार्ट होगा। शाम को मैच खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। बैलेंस सरफेस रहने वाला है, एवरेज स्कोर 140-160 बनेगा। 4 मैचेस यहाँ पर अब तक हो चुके हैं, 2 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 2 मैच हेज हुआ है। पहले बात करेंगे अपन यहाँ पर शारजा की टीम की। शारजा की जो टीम है इनकी टीम ने अपना पहला मुकाबला खेला था और इनकी टीम पहला मुकाबला यहाँ पर हार भी गई थी। इनकी तरफ से ओपन किया था यहाँ पर खलीद शाह और जैनुल्ला जैन ने। खलीद शाह 0 रन पर आउट हुए थे उस मैच में। D20 में इसके नाम 20 मैच में 396 रन है और रिसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे इसका तो 21 हैं 10 हैं 13 हैं 12 हैं 43 हैं, तो ठीक ठाक सा इसका रिकॉर्ड है। ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है लेकिन ये ना एक हिटर प्लेयर है, बात आप ध्यान में रखना, अगर चलेगा तो बहुत तेज़ी से रन बना सकता है। जैनुल्ला जैन है, इसने पहले मैच में 14 किए थे, ये इसका D20 में पहला मैच था, जबकि ODD में इसके नाम 15 मैच में 239 रन 2 विकेट है। यासिर कलीम है, इसने 17 रन किए थे, D20 में इसके नाम 11 मैच में 305 रन है, रिसेंट फॉर्म 1-1 36-20-26 है। फिर आएंगे ऐसे फयाज अहमद की बात करूँ तो पहले मैच में इसने 17 रन यहाँ पर किए थे, D20 में इसके नाम 13 मैच में 197 रन 18 विकेट है 47 ओवर डाल के। अब आपके पास चॉइस रहेगी कि आप फयाज अहमद या फिर खलीद शाह, दोनों में से किसी एक को रख सकते हो। अभी के लिए मैं खलीद को शांत यहाँ पर जाने वाला हूँ। नीचे आएंगे ऐसे मोहम्मद नदीम, 7 रन 1 विकेट था पहले मैच में, ये बहुत बढ़िया ऑलराउंडर प्लेयर है मोहम्मद नदीम। D20 में 9 मैच में 210 रन 13 विकेट है, जबकि रिसेंट फॉर्म 44 0 विकेट 0-1 विकेट 0-2 विकेट 53-2 विकेट है। फिर आएंगे ऐसे आदिल मलिक, इनके नाम 99 मैच में 132 विकेट ओवरऑल है, पहले मैच में 8 रन 0 विकेट था, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट 7 रन 0 विकेट 4 रन 0 विकेट 9 बैटिंग और 1 रन है। फिर आएंगे ऐसे अमजाद गुल बहुत नीचे बैटिंग करने आए थे, ये बात आप ध्यान में रख के चलिएगा, और 6 ही रन किए थे। D20 में इसके नाम अगर आप देखोगे 18 मैच में 257-21 का एवरेज 2 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 9 बैटिंग 33-42-3-3 है। लुकमान हजरत है, 10 रन किए पहले मैच में, 1 विकेट भी इसने निकाला था, 16 D20 के मैच में 73 रन 11 विकेट इसके नाम है। हफीज़ अलमाज है, 27 रन किए थे, 3 ओवर डाले थे, हालांकि विकेट लेस गया, लेकिन अभी जो यहाँ पर Division 1 वगैरह के जो मैचेस हो रहे थे ना वहाँ पर ये अच्छा करके आ रहा है। वहाँ पर इसके नाम रिसेंट फॉर्म 7 रन 1 विकेट 4 रन 3 विकेट 12 रन 3 विकेट 5 रन 1 विकेट है। इरफान कथक है, इसने 2 रन किए, 2 ओवर डाले, विकेट इसको नहीं मिला था, ओवरऑल 62 मैच में 70 विकेट है। कर्नल जायद ने बहुत तगड़ी बॉलिंग कराई थी पहले मैच में, वो भी फुजेरा के सामने, और 5 विकेट ले गया था बंदा, ओवरऑल 54 मैच में 49 विकेट है। तो अभी के लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट कौन कौन है, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट रहने चाहिए खलीद शाह, यहाँ से यासिर कलीम, मोहम्मद नदीम, नीचे से मैं यहाँ पर पिक करूँगा आदिल मलिक को भी रख सकते हो आप, अदरवाइज आप यहाँ से कर्नल जायद और हफीज़ अलमास के साथ यहाँ पर जा सकते हो। बात करें यहाँ पर बेंच पर जो भी इनके प्लेयर्स हैं, इनमें से कोई भी अगर खेलता है तो उसके स्टैट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग ओवर डालेंगे लुकमान हजरत, आई कतक, डेथ के ओवर डालेंगे यहाँ से के जाहिद और एल हजरत। बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि दुबई की टीम की। दुबई की टीम अपना पहला मुकाबला हारी थी, ओपन किया था आर्यन लकड़ा और रौनक पनौली ने। आर्यन लकड़ा बहुत बढ़िया ऑलराउंडर प्लेयर है, पहले में 21 रन 1 विकेट इसके नाम था, D20 में इसके नाम 22 मैच में यहाँ पर अगर आप देखोगे 233 रन है और 26 विकेट है। रिसेंट फॉर्म की अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हो बहुत बढ़िया फॉर्म है, 10 रन 0 विकेट है यहाँ पर, 9 रन 1 विकेट है, 42 रन 1 विकेट है और 6 रन 1 विकेट है। रौनक पनौली की बात करूँ तो पहले मैच में 14 रन किए थे, D20 में इसके नाम 14 मैच में 5 विकेट है, जबकि रिसेंट फॉर्म 35-2 विकेट 0-2 विकेट 30-2 विकेट और 18-1 विकेट है। हालांकि पहले मैच में इसको बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं मिली थी। पुन्या मेहरा है, 1 ही रन इसने किया था, रिसेंट फॉर्म 26-0-25-30 9 रन 1 विकेट है, D20 में इसके नाम 18 मैच में 427-25 का एवरेज है। रमीज शहजाद है, पहले मैच में 0 ही रन बना पाया था, लेकिन रमीज शहजाद इससे कहीं गुना अच्छा प्लेयर है, ये बात आप ध्यान में रख के चलिएगा।
D20 में इसके नाम 16 मैच में 485 रन, 4 विकेट है, जबकि रिसेंट फॉर्म 20, 31, 45, 67 रन और 18 रन है। मोहम्मद इमरान ओडी है, ये भी एक हिटर प्लेयर है, पहले मैच में ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाया था। अगर आप इसका रिसेंट फॉर्म देखोगे तो 35 हैं, 54 हैं, 0 हैं, 12 हैं, 0 हैं। आहान फर्नांडिस है, पहले मैच में 2 ही रन कर पाया था। D20 में 5 मैच में 52 है, जबकि रिसेंट फॉर्म 33, 12, 1, 19, 44 हैं। सफ़ीर तारिक आएंगे यहाँ से, सफ़ीर तारिक की अगर मैं बात करूँ तो D10 में 12 मैच में 97 रन है, पहले मैच में 42 की अच्छी पारी थी, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसने बैटिंग बहुत नीचे की थी, नंबर 7 पर आया था ये बैटिंग करने। अब्दुल मलिक 10 रन 1 विकेट था, साहिद नवाज के नाम 7 रन 0 विकेट थे, और मुबीन अली भाई ये डेथ में भी आता है और पावर प्ले में आता है, इंपॉर्टेंट बॉलर है, 295 मैच में 312 विकेट हैं। अहमद शफीक पहले में 1 ही विकेट मिला, लेकिन एक अच्छा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे आर्यन लकड़ा, रौनक पनौली, रमेश शहजाद, और नीचे से अगर चलूँ तो यहाँ से अब्दुल मलिक, मुबीन अली और अहमद शफीक एनालिसिस वाला, और यहाँ पर बेंच पर जो भी प्लेयर इनमें से कोई खेलता है तो उसके स्टार्ट आपको मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग ओवर डालेंगे ए मलिक, एम अली, डेथ के ओवर डालेंगे एम अली, अब्दुल मलिक। एनालिसिस वाला जो पार्ट इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ, बात करूँ मैं यहाँ पर डेमो टीम की, तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा है खलील शाह को, बैटिंग सेक्शन से रखा है जैनुल्ला जैन, यासिर कलीम, रमेश शहजाद, और ऑलराउंडर सेक्शन से रखा है मोहम्मद नदीम, रौनक पनौली, आर्यन लकड़ा, और बॉलिंग सेक्शन से रखा है मुबीन अली, के जाहिद, ए शफीक और एम मलिक। कैप्टन मेरे यहाँ से आर्यन लकड़ा, वाइस कैप्टन मोहम्मद नदीम है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।